गुना एवं माइनस को बदला जाए, गुना एवं माइनस पहला ऑप्शन यही ना है, गुना को माइनस और माइनस को गुना करिएगा, आ जाओ जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं कि 14 में से 56 जाएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा, ये होने वाला नहीं। दूसरा क्या लिखा, प्लस और भागा, तो जैसे ही यहां भागा में बदलिएगा तो 4 से ही कटने उठने वाला है ही नहीं, तो पूरे पूरे आने वाला नहीं। तीसरा विद्यार्थी जी, माइनस और प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो जब भी करिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, पूरे पूरे आने वाला नहीं है। आगे क्या लिखा होगा, भागा और माइनस, तो ध्यान दीजिए ये भागा हो गया और ये माइनस हो गया, लगता है काम बन जाएगा। 4 से यहां भाग दीजिएगा, 2 बार में 3.5 और 3.5, 7 में से 1 गया, 6 हाथ हो गया, अर्थात आपका आंसर डी। मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे 15 लानी है विद्यार्थी जी, तो इसके साथ तो मैंने कहा कोई छेड़छाड़ ना भी करेंगे तो कट जाएगा 3 बार में, हाँ या ना। अब जल्दी देखिएगा कोई आंसर किसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहले जल्दी देखिए, 13 नंबर था ना, अच्छा यही तो दिया हुआ है 3 और 4, तो मैंने कहा भाई 4 को यहां ले जाएंगे तो काम बनने वाला नहीं है, 2 और 3, 2 और 3 2 भी जाएगा तो होने वाला नहीं है, 8 और 3 8 भी उधर जाएगा तो होने वाला नहीं है, 4 और 8 तो यही दोनों चेंज होगा कि नहीं होगा। मैंने अभी सिखाया था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए तभी तो मामला फिट होगा। तो देखिएगा ये विद्यार्थी जी 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो 8 × 16 = 19 में से 4 गया, आपका आंसर आ गया। अब आप नेचर 2, यदि चिन्हों में प्लस और भागा तथा संख्या 2 और 4 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। फिर वही चीजें हैं, प्लस और भागा, यानी यहाँ भागा हो जाए, यहाँ क्या हो जाए, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, प्लस को भागा, भागा को प्लस, और लिखा हुआ है क्या बदला गया, 2 और, तो यहाँ 2 यहाँ, तो ये आंसर आने वाला नहीं है क्योंकि 6.5 ना आ जाएगा, पहला आंसर गलत। दूसरा देखिए, 2 और 4, यानी यहाँ 4 यहाँ, और जल्दी बोलिए, प्लस को भागा, भागा को प्लस हो गया, ये भागा हो गया, 6 × 2 = 8 आ गया, अर्थात आपका आंसर बिल्कुल प्लस, और गुना को चेंज किया गया, 3 और 2 को भी चेंज किया गया, अब यहाँ हो जाएगा गुना, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ 3 × 2 चेंज किया, देखिए 12 × 2 = 14 आ गया, पहला ही आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस और भागा को चेंज किया जाए 1 और 4 को, 1 और, तो विद्यार्थी जी यहाँ 4 यहाँ 1, यहाँ भागा यहाँ प्लस, तो जल्दी देखिए 3 और 2 = 5 ना आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, 1 और 4 को बदला गया, यहाँ भागा यहाँ प्लस, ये भी होने वाला नहीं है। यहां भी ध्यान दीजिएगा 1 और 4 को बदला गया, नहीं 4 यहाँ 1 यहाँ प्लस यहाँ भागा, देखिए 3 × 1 = 4 आ रहा है, अर्थात आपका आंसर सी। आशा करें कि आप लोग बना लेंगे, इसे कहते नेचर 2 हो गया। अब आ जाइए नेचर 3, क्या किया है जरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन चिन्ह और संख्या में आपस में अदला बदली कर दिया जाए कि समीकरण सही हो जाए। तो देखिएगा भाई, आप लोगों के पास ऑप्शन भी है, क्या लिखा हुआ, प्लस और माइनस 2 और 5, यानी हो गया माइनस, ही हो गया प्लस, यहां हो गया 2 यहां हो गया, तो जल्दी देखिएगा 5 और 3
आठ में से दो गया छह ही होने वाला नहीं। दूसरा जल्दी बोलिएगा, प्लस माइनस तो रहवे करेगा, जल्दी बोलिए। तीन और चार को बदला गया है, यानी यहां चार यहां की प्लस आई माइनस, चार दो छह में से पांच ये भी होने वाला नहीं। ऑप्शन नंबर सी, दो और चार यानी यहां चार यहां दो की प्लस आई माइनस, चार तीन सात में से पांच गया दो, बिल्कुल सही है। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बना लीजिएगा, थोड़ी मैथ का कुछ पाठ आ गया, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग और मैथ के सीरीज में एक अंतर होता है। मैथ के सीरीज जो होता है वो मैथमेटिकल नियम से चलता है, और इसका सीरीज का कोई नियम कानून नहीं होता है, कुछ भी किसी तरह से जोड़ घटाव गुना भाग करते रहेगा। तो यहां तो देखिएगा लगता है मैथ वाले से ही बढ़ रहा है, तीन में पांच जुटा आठ, आठ में पांच जुटा तेरह, पांच अठारह, तो अठारह पांच तेईस, आपका आसान आंसर हो गया। गप मत कीजिए, मैथ का नियम होता है इसका कोई नियम नहीं। आगे देखिए, तेरह में तीन घट गया, तीन घट गया, तीन घट गया, तो फिर तीन घट जाएगा, हो जाएगा। एग्री है? नेक्स्ट विद्यार्थी जी, आप देख रहे हैं मैं तो एपी का सब सीरीज है, तीस घट गया, तीस घट गया, फिर से तीस घटा दीजिएगा, नहीं दो सौ तीस, आशा करें बन जाएंगे। आगे देखिएगा, तीन जुटा है, चार जुटा है, पांच जुटेगा, छह जुटेगा, सात जुटेगा, मिल रहा है। यहां से देखिए, तीन जुट गया, फिर चार ऐड हुए, तब पांच ऐड हो गए, उसके बाद छह, इसके बाद सात। इस तरह की चीजें तो पढ़ाने की जरूरत है नहीं, खुद बना रहे होंगे बंदे। आगे देखिएगा, तीन जुटा है, चार जुटा है, पांच जुटा है, छह जुटा है, तो अब सात जुट जाएगा, बत्तीस, आसान है। फिर देखिएगा, तीन जुटा है, चार जुटा है, फिर तीन जुटा है, चार जुटा है, तीन जुटा है, चार जुटेगा, तो चौरासी और चार अठासी बनेगा, बोलते नहीं है। चलिए टाइप कर दिए, आगे देखिए, सात तीन दस, तीन जुटा छह जुटा, तीन जुटा छह जुटा, तो फिर तीन जुटेगा, तीन जुट रहा है छह जुट रहा है, तीन जुट रहा है छह जुट रहा है, तो अगर तीन ही जुटेगा अट्ठाईस हो जाएंगे। चलिए आसान वाला खाली मिल रहा है, पच्चीस और छह जुटा, सात जुटा, आठ जुटा, तब और कितना जुटेगा, नौ जुटेगा, बन जाए ना चाहिए। दूतिया छ, नहीं नहीं गुना नहीं होगा, जोड़ घटाव ही चलेगा, क्योंकि आगे जाके बहुत कम अंक, गुना तब चलता जब बहुत ज्यादा रहता था। देखिए कै जुटा, चार, उसके बाद आठ, और उसके बाद दस, बारह, चौदह, बन गया। अर्थात आपका आंसर क्या होगा, बीस होगा। यही सब एग्जाम में आता, आप लोग डर रहते थे, अलग चीजें। तीन जुटा है, उसके बाद पांच, सात, नौ, ग्यारह, उसके बाद तेरह, पचास हो जाएगा, पंद्रह, सत्रह, उन्नीस जुट रहे हैं। तो होमवर्क कहाँ तक दे दे ये बताइए। अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।